हेलो एवरीवन, मैं हूं टेक डिफाइनर एंड आप देख रहे हैं टेक टॉक्स इंडिया। सो गाइस, आज आप देख सकते हैं कि मेरे पास में यहां पर ही पीट्रॉन की गेमिंग वायरलेस TWS का बॉक्स है। इन्हें आप वायरलेस ईयरबड्स भी बोल सकते हो, जो कि पीट्रॉन की तरफ से आते हैं। एंड इन वाले ईयरबड्स को मैंने यहाँ पर अमेजॉन से ही परचेज किया है। आप देख सकते हैं ये अमेजॉन का यहाँ पे पैकिंग है, एंड इसको मैंने बस इसमें से बाहर निकाला है। एंड अनबॉक्सिंग अभी आपके मैं सामने यहाँ पर करने वाला हूँ। तो ऐसा सा कुछ बॉक्स है यहाँ पर, एंड सामने पे यहाँ पर पीट्रॉन की ब्रांडिंग वगैरह है। एंड नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पीट्रॉन गेमिंग हेडसेट का एक फोटो बना हुआ है। हम पूजा हेगड़े की फोटो को नहीं देखेंगे क्योंकि अपन सख्त हैं। हंसी नहीं आई ना, सस्ता सा जोक था मेरा, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करो। एंड इसके अलावा गाइस, अगर बॉक्स के बैक साइड की बात करें तो गाइस, बॉक्स के बैक साइड में हमें एनी वाली ईयरबड्स की कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि वायरलेस रेंज इसका 10 मीटर है, कनेक्टिविटी है, एंड इसके अलावा इसमें बैटरी वगैरह कितना है, तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इसके अलावा बॉक्स के राइट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है बी लाउड बी प्राउड, इस टाइप से कुछ यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह कर रखी है। तो चलिए अभी फटाफट से इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं एंड बॉक्स में देखते हैं हमें क्या कुछ कॉन्टेंट देखने को मिलने वाले हैं। एंड इसमें यहाँ पर कोई सील वगैरह नहीं थी, मैंने चेक किया तो कोई सील वगैरह नहीं है। एंड बॉटम साइड में यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है, एंड इसके अलावा यहाँ पर कोई भी सील वगैरह देखने को हमें नहीं मिली है। तो चलिए, सील नहीं है, फटाफट इसको यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं एंड देखते हैं बॉक्स में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो ये उल्टा आ रहा है क्या? अच्छा, सीधा इधर से, ठीक है। तो इसको भी रखते हैं साइड में। एंड सबसे पहले गाइस, हमें यहाँ पर एक QR कोड देखने को मिल जाता है, एंड अगर आप इसको स्कैन करते हो तो आप एक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। एंड वहाँ पर आपको इन वाले ईयरबड्स की जो क्विक स्टार्ट गाइड होती है, यूज़र गाइड होती है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप स्कैन करके गाइड पढ़ सकते हो। एंड इसके अलावा वहाँ पर एक और हमें एक कार्ड देखने को मिलता है, एंड ये बेसिकली वारंटी कार्ड वगैरह होने वाला है फीडबैक टाइप का, एंड इसमें आप फीडबैक वगैरह भी दे सकते हो, एंड साथ में वारंटी वगैरह भी अपने आराम से आप रजिस्टर कर सकते हो। तो इन सबको रखते हैं साइड में। एंड मेन यूनिट में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सबसे पहले केस देखने को मिल जाता है, एंड केस ये अलग से दे रखा है। ये कुछ स्टेप से हमें यहाँ पे केस देखने को मिल जाता है, तो इसको भी रख लेते हैं साइड में। एंड इसके अलावा हमारे ऊपर की साइड में हमारे ये ईयरबड देखने को मिल जाते हैं, दोनों ये अलग अलग यहाँ पर अटैच होकर आए हैं। तो चलिए इनको भी निकाल लेते हैं। अच्छा, इसका एक नीचे निकल गया है, तो अभी मैं उसको लगा लेता हूँ। एंड इसके अलावा अगर इस वाले पेपर को हटाकर देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक पाउच देखने को मिलता है, जिसमें हमें यहाँ पे टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है, एंड साथ में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाती हैं। आप अपने कान के साइज़ के हिसाब से आराम से इसमें एडजस्ट करके लगा सकते हो। तो इन सबको रखते हैं साइड में, एंड ये हमारी निकल गई थी, तो इसको ईयरबड में लगा लेते हैं फटाफट से, एंड फिर मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ इस टाइप के दोनों ईयरबड आपको देखने को मिल जाते हैं, एंड अभी मैं इनको आपको केस में रख के दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा केस, एंड इस वाले केस को ऑन करने पर आपको यहाँ पे लाइटिंग वाला इफेक्ट देखने को मिल जाता है, एंड ये जो लाइट है देखने में गाइस काफ़ी कूल लगती है। एंड मैं भी आपको थोड़ा सा एक्सपोजर डाउन करके दिखाता हूँ, तो ये देखने में और ज़्यादा अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं इस टाइप से, अगर आप इसको बंद कर दोगे तो ये ऑफ हो जाएगी, एंड इसको आप दोबारा से अगर ऑन करते हो तो ये ऑन हो जाएगी। एंड इनको अभी मैं रख देता हूँ इसी में। तो गाइस, मैंने अभी हमारे जो ईयरबड्स होते हैं इनको मैंने इसमें लगा दिया है, एंड इसकी लिड को ऑन करते ही ये पेयरिंग मोड में चले जाते हैं, एंड आपको यहाँ पर एक हल्का सा साउंड भी सुनाई देता है कि ये पेयरिंग मोड में जा चुके हैं। तो इनको बाहर निकाल के आप आसानी से इसमें पेयर कर सकते हैं अपने किसी भी डिवाइस के साथ में। एंड इन दोनों ईयरबड्स में भी आपको यहाँ पर लाइट देखने को मिल जाती है, इस टाइप की जो लाइट है ये देखने को मिल जाती है। तो अंधेरे वगैरह में अगर आप गेमिंग खेलते हो तो देखने में काफ़ी कूल सा लगता है। एंड बेसिकली ये गेमिंग ईयरबड्स ही हैं, क्योंकि इसमें आपको एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं वो कैसा काम करेगा। तो अनबॉक्सिंग वगैरह तो हमने कर ली है, एंड अभी बारी है इनका टेस्ट करने की। एंड बेसिकली इसमें एक गेमिंग मोड मिलेगा, तो उसको जरूर मैं टेस्ट करना चाहूँगा कि गेमिंग के दौरान इनमें कैसी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है, साउंड का डिले मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो वो सब फटाफट से अभी हम चेक करेंगे। तो इस सब को भी हटा लेते हैं, एंड इन ईयरबड्स को अभी मैं फटाफट से अपनी आईपैड से कनेक्ट कर लेता हूँ, एंड फिर मैं उसमें BGMI खेल के आपको दिखाऊंगा कि साउंड का डिले आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। एंड साथ में सॉन्ग्स वगैरह भी प्ले करके देखेंगे, तो सब कुछ प्ले करने वाले हैं। तो इसको बंद करते हैं एंड इन सबको हटाकर आपको मिलता हूँ आईपैड के साथ। ओके गाइस, तो अभी हम अपने आईपैड के साथ आ चुके हैं, एंड इनको मैं ऑन करता हूँ, एंड यहाँ से डायरेक्टली पेयरिंग मोड में चले जाएंगे। तो इसको मैंने ऑन किया, अभी ऑन हो जा, ठीक है, अभी यहाँ पर ये सर्च हो जाएगा, एंड देखते हैं फिर। ठीक है, आ चुका है यहाँ पर, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, कनेक्ट हो चुका है। तो इनको अभी मैं फटाफट से अपने कानों में लगा लेता हूँ, एंड फिर मैं आपको यहाँ पर गेम खेल के दिखाने वाला हूँ। तो BGMI ऑन कर लेते हैं। तो गाइस, अभी हमने यहाँ पर BGMI को ऑन कर लिया है। तो यहाँ पर गाइस, जो टैप वगैरह होते हैं उनमें तो मेरे को यहाँ पर कोई भी साउंड का डिले वगैरह नोटिस नहीं हो रहा है। एंड अभी यहाँ पर मैं एक मैच खेलने वाला हूँ, तो फिर मैच में देखेंगे कि मैच में जाकर साउंड का डिले वगैरह रहता है या फिर नहीं रहता है। तो एक फटाफट से TNM ही लगा लेता हूँ मैं, एंड साथ में आपको मैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में बता दूंगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है, बेस वगैरह कैसा रहता है, तो ये सब आपको भी देखने को मिल जाएगा। एंड मैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा एक गेम खेल लेता हूँ। तो गाइस, अभी जो टैप वगैरह मैं कर रहा हूँ गेम में भी, तो यहाँ पर भी मेरे को कोई डिले वगैरह नोटिस नहीं हो रहा है। बाकी अभी फायरिंग वगैरह में देखेंगे कि फायरिंग में ये कैसा परफॉर्म करता है। एंड मेरे को इस एंगल से दिख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा सा एंगल चेंज करता हूँ डिवाइस का।
तो गाइस इतना देर खेलने के बाद मुझे अभी भी कोई साउंड में डिले वगैरह नोटिस नहीं हुआ है। एंड बाकी गाइस अगर मैं आपको अभी सुनाना चाहूँ तो अभी मैं अपने एक ईयरबड को निकाल कर माइक के पास लेकर आता हूँ एंड फिर मैं आपको टैप टैप में फायरिंग करके दिखाऊंगा एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें साउंड का डिले है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली खड़ा हो जा रहा हूँ एंड फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये रहा एक ईयरबड एंड इसको मैं अभी माइक्रोफोन के पास ले जा रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं टैप टैप करके फायर दूंगा। इसको मैं सिंगल टैप पर लगा देता हूँ एंड फिर आप देख सकते हैं कि ऑडियो का डिले रहता है या फिर नहीं रहता है। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये रहा मेरा फायरिंग बटन एंड ईयरबड को अभी मैं माइक्रोफोन के पास में ले आया हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी टैप टैप करके फायर इसमें देता हूँ। तो एक जो स्पीकर है मेरे कान में लगा हुआ है एंड दूसरा आप देख सकते हैं माइक्रोफोन के पास में है एंड साउंड का लेटेंसी मेरे को तो लग नहीं रहा है कि साउंड का लेटेंसी होगा इसमें। एंड बाकी आप जज कर सकते हैं कि किस टाइप का इसमें साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है। तो गाइस गेमिंग के दौरान आपको कुछ इस टाइप का रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। तो अभी इन सभी से बाहर आते हैं एंड मैं बात करता हूँ इसके डायरेक्ट फाइनल वर्ड्स की। तो गाइस अभी अगर बात करते हैं इसके फीडबैक या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से रिव्यू वगैरह की, तो इसके कनेक्टिविटी वगैरह की अगर मैं स्टार्टिंग से बात करता हूँ तो कनेक्टिविटी वगैरह काफ़ी फास्ट है। आपको बस लिड को ओपन करना है एंड ये आराम से पेयरिंग मोड में चले जाते हैं एंड आपके जो रिसेंटली कनेक्टेड डिवाइस होगी उसके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं काफ़ी आसानी से। एंड इन दोनों ही ईयरबड्स में आपको यहाँ पर टच कंट्रोल देखने को मिल जाता है। जो ये लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो रही है तो यही इसका टच कंट्रोल है। तो इन टच कंट्रोल से आप डायरेक्टली जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं उनको प्ले पॉज कर सकते हैं एंड अगर आप इसको दो बार टैप करोगे तो आपको सॉन्ग नेक्स्ट वगैरह हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से इसमें ऑप्शन सेट हैं। एंड इसके अलावा अगर बात करते हैं गेमिंग रिव्यू की, तो कहीं जहाँ तक मैंने इसको यूज़ किया अभी तक तो मुझे तो गेमिंग में कोई साउंड में डिले वगैरह देखने को नहीं मिला है। एंड बाकी अगर बात करता हूँ साउंड क्वालिटी की, तो गेमिंग में जो बेस वगैरह आ रही थी बुलेट्स की निकलने की फायरिंग साउंड की, तो वो मुझे प्रॉपर देखने को मिली है। एंड इसी के अलावा अगर बात करूँ आपसे कि सॉन्ग सुनने में इसकी क्वालिटी कैसी आती है, कि वहाँ पर हमें साउंड कैसा देखने को मिलता है अगर आप गाने वगैरह चलाकर इसमें सुनते हैं, तो उसमें गाइस बेस तो हमें बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड मैं बोलूँगा बेस बहुत ज़्यादा ही कर दिया है कुछ स्पीडरन वालों ने। तो गाइस अगर आपको हार्ड बेस पसंद है, इसमें आपको बहुत धूम धड़ाका वाला मतलब आपको बेस अच्छा लगता है, तो आप इनकी तरफ जा सकते हो। बेस बहुत ज़्यादा ही कर रखा है, किसी किसी सॉन्ग में वोकल बिल्कुल डाउन हो जाते हैं एंड इंस्ट्रूमेंट वगैरह की आवाज़ बिल्कुल सुनाई देती ही नहीं है। तो इस चीज़ पे थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था पीट्रॉन वालों को। एंड बाकी मेरे को यहाँ पे कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा है, साउंड क्वालिटी अच्छी है एंड इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है एंड साथ में जो केस क्वालिटी है वो भी अच्छी है। इसमें आपको टाइप से यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है एंड चार्ज भी काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। तो ये सब यहाँ पे कोई भी इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं है। इसके अलावा गाइस अगर बात करता हूँ कॉल क्वालिटी की, तो कॉल क्वालिटी भी ठीक है, नॉइज़ वगैरह को अच्छे से रिड्यूस कर देता है एंड जो सामने वाला पर्सन होता है उसके पास में वॉइस अच्छी जाती है, क्लियर जाती है। एंड रही बात साउंड में लेटेंसी की, तो वो गेमिंग करते हुए मेरे को iOS डिवाइस में तो नहीं फेस हुआ है एंड हो सकता है कि एंड्रॉयड डिवाइस में फेस हो। एंड बाकी मैंने एंड्रॉयड डिवाइस पर अभी चेक नहीं किया है, तो किस दिनों में मैं इसका एक डिटेल रिव्यू लेकर आऊँगा तो उसमें मैं डिटेल में बता दूंगा कि एंड्रॉयड में लेटेंसी रहता है या फिर नहीं रहता है एंड चार्जिंग टाइम कितना लेता है एंड साथ में चार्जिंग का जो बैकअप रहता है वो कितना रहेगा। तो ये सब आपको मैं डिटेल रिव्यू वाली वीडियो में बता दूंगा। बस बेस का मेरे को थोड़ा लगा है कि बेस कुछ ज़्यादा ही ओवर बूस्टेड बेस इसमें आपको देखने को मिल जाती है एंड ये चीज़ भी कुछ लोगों को पसंद आती है इंडिया में। ऐसा नहीं है कि ये वाला पॉइंट सभी के लिए ख़राब रहने वाला है, तो किसी किसी के लिए बेस ज़्यादा अच्छी लगती है तो उसके लिए यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। बाकी साउंड क्वालिटी एंड लुक वाइज मेरे को ये वाले ईयरबड्स काफ़ी अच्छे लगे हैं एंड आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिएगा। एंड अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो इसका जो अमेजन का डायरेक्ट परचेज लिंक होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली इनको परचेज कर सकते हैं एंड 1500 रुपये के आते हैं तो आप इनको ले सकते हैं। बाकी इतना ही था आज की इस वाली वीडियो में गाइस एंड होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड बाकी पीट्रॉन के इन वाले ईयरबड्स के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है फिर क्वेरी है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा एंड मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा एंड साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे होम एंड बी गुड इन टेक एंड बाय बाय।